पांच साल के बाद वापस हिंदुस्तान में मेरे दोस्तों के साथ. Of course, they give me the usual welcome. Yes, sir. Yes, sir. Well, Mohan, कैसा लग रहा है तुझे वापस आकर यार? Absolutely great. बहुत खुश हूँ. Come on, यार. यकीन नहीं आता. अमेरिका में रहने के बाद हमारा देश तो तुझे एक गांव नजर आता होगा. सो तो है. लेकिन फिर भी ये गंदगी, ये बदबू, ये गर्मी, यहाँ की भीड़ सब मिस करता था. You'll be surprised. लेकिन तुम नहीं जानते कि एक अमेरिका जैसे पराए देश में किस तरह की जिंदगी बितानी पड़ती है. But the girls in America must be great. सही कह रहा है. वहाँ वक्त किसे मिलता था. एक बात बताऊँ, हिंदुस्तानी लड़कियाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़कियाँ. अच्छा, तो तुम यहाँ लड़की देखने आए हो? नहीं नहीं यार, दरअसल मेरे प्लान्स कुछ और हैं. मैं कावेरी अम्मा को ढूंढना चाहता हूँ. कावेरी अम्मा? ओ, तुम्हारी नौकरानी? नहीं सुनील, उसे नौकरानी मत कहो, वो मेरी माँ समान थी. जानते हो, 2 साल की उम्र से लेकर 17 साल की उम्र तक उन्होंने मेरी पूरी देखभाल की. सुबह नाश्ता देना, फिर स्कूल ले जाना, शाम को खेलना और फिर रात को लोरी गाकर सुला देना. आज भी है याद. मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके लिए वापस आऊंगा. इट्स अ प्रॉमिस आई मस्ट कीप. वेल, चीयर्स टू कावेरी अम्मा. अब वो अमेरिका में एक हाईटेक जिंदगी बिता सकती हैं. गैस कनेक्शन, कंप्यूटर्स, वॉशिंग मशीन और क्या नहीं. कावेरी अम्मा से कैरी सब मोहन की बदौलत. पत्थर पूज से हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़. दूध पीने से हरी मिले तो दूध पीने से हरी मिले तो बहुत वक्त राला. मीरा कहे बिना प्रेम से. Excuse me. Yes. मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है. बैठिए बैठिए. थैंक यू. पूछिए. दरअसल मुझे कावेरी अम्मा से मिलना है. कावेरी अम्मा? कौन कावेरी अम्मा? यहाँ तो कोई कावेरी अम्मा नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है? कावेरी अम्मा came 5 years ago. You remember her? I also remember her. जी हाँ, अगर इनको याद है तो शायद आप अगर जोर डालें तो आपको भी याद. अच्छा अच्छा, तो आप वो कावेरी के बारे में जानना चाहते हैं? जी, 5 साल पहले जो आई थी. वो तो यहाँ नहीं है आजकल. क्यों, कहाँ गई? उसकी उसकी एक नाती या पोती थी, क्या नाम, गीता, वो उसको आके यहाँ से लेके चली गई. लेकिन कहाँ, कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस? अरे मैं गॉन टू महादेवपुरा. हाँ हाँ, आजकल वो तो महादेवपुरा में रहती है. महादेवपुरा, ओके जी. थैंक यू वेरी मच. एक्सक्यूज मी. यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आई वुड लाइक टू हैव अ फिल्टर कॉफी. फिल्टर कॉफी? या इन अ बुकशॉप? भाई साहब, ये किताबों की दुकान है, कॉफी की नहीं. चाय के लिए मुझे दे दो माफी, मेरे घर पर मिलेगी सिर्फ फिल्टर कॉफी. अरे मोहन, तू कब आया? बस कली, कैसा है? बुकशॉप खोल दी यार तूने. ओ जीसस, कितना बदल गया यार तू, मोटा हो गया है. तू भी तो पतला हो गया. अच्छी खासी बुकशॉप खोल दिया तूने. हाँ यार, एक बात पता है, आज तक मैंने तुझ जैसी कॉफी अमेरिका में भी नहीं पी है ना. या, that's right. हो जाए एक कप. हाँ, लेकिन बाद में. इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. मदद? बता यार, क्या चाहिए तुझे? आई वॉन्ट अ रोड मैप. रोड मैप? बस या कहाँ जाना है? महादेवपुरम. महादेवपुरम, ये कहाँ पड़ता है यार? यही कहीं पे है, वही ढूंढना है मुझे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है मैसूर के मैप में मिलेगा शायद. आ जा, एक मिनट. ओके. इसमें मिलेगा शायद. खटमांडू, आंध्र प्रदेश, ये ले. तो बैठ, मैं भी कॉफी लाता हूँ. तब तक काउंटर संभाल ला, ठीक है? ओके. सुनिए. यस. आपने गलती से इन किताबों को गिरा दिया है, जरा उठाकर रख दीजिए प्लीज. नॉनसेंस, व्हाई डोंट यू आस्क द स्टॉप असिस्टेंट प्लीज. देखिए, यहाँ पर कोई शॉप असिस्टेंट नहीं है, और फिर ऐसे किताबों को लात मारने से उनका अपमान होता है. नॉनसेंस, ओल्ड फैशन वैल्यूज. एक्सक्यूज मी,
Books are a source of knowledge. And the man who disrespects books is a cultureless man. Do you understand? तुम? हाँ मैं मेरा मतलब मैं पीटर का दोस्त हूँ. पीटर का दोस्त? यहाँ का मालिक, शॉप का मालिक, कॉफी बना रहा है. कॉफी? जी मैं कॉफी पीना चाह रहा था तो एक्चुअली. ए मैडम, Yes. कम से कम किताबों के पैसे तो दे दीजिए. ये मैप आप क्यों देख रहे हो? जी दरअसल मैं माधोपुर का रास्ता ढूंढ रहा था. 210.95. 324.45. तो तुम महादेवपुरा जाना चाहते हो? जी हाँ, 324.50 plus 10% tax, that is 358.85. Correct. 358.85. Yeah. ये मैप देखकर आपको कोई फायदा नहीं होगा. क्यों? अरे मैडम आपका चेंज. मैडम ये ले गर्मा गर्म कॉफी. गई. ऐसे क्या देख रहा है यार, कभी लड़की नहीं देखी क्या? देखिए पीटर देखिए, बहुत सारी किस्म की लड़कियां देखी है, जापानीज, अमेरिकन, इटालियन, ब्रिटिश, लेकिन इस किस्म की लड़की मैंने आज तक नहीं देखी. यार बी केयरफुल, ये प्यार और मोहब्बत का झमेला जो है ना ठीक नहीं है, समझा? बर्बाद हो जाएगा. ये ले कॉफी पी. और ये ले तेरे पैसे. So I took my map and set out. I left the city. Narrow, long, dusty roads. वाकई मोहब्बत करने लायक थी वो लड़की. सीधी साधी, कोमल और सुसंस्कृत. जिस लिबास में वो थी ये बिल्कुल अंदाजा भी नहीं लगता था कि वो इस तरह फटाफट अंग्रेजी बोल देती. माधेपुर जाने का रास्ता कौन सा? ये वाला? हाँ. छोटे छोटे गांवों के बीच गुजरना बहुत ही अच्छा लगा. चारों तरफ हरियाली, झूमते हुए नारियल के पेड़, जानवर और बछड़े और उनके देखभाल करते चरवाहे, खेतों में काम करते किसान, ये नजारे सचमुच कभी कभार ही देखने को मिलते हैं. मन कर रहा था कि अपना कारवाई यहीं रोककर कुछ दिन यहीं ठहर जाऊं, लेकिन कावेरी अम्मा से मिलने की बेचैनी मुझे आगे चलने पर मजबूर कर रही थी. लेकिन वो थी कौन? काश मुझे वो दोबारा मिल जाए. नहीं, ये नामुमकिन है. खैर अब उसके बारे में सोचने से क्या फायदा. हो सकता है किसी दिन वैसे ही एक लड़की से मेरी मुलाकात हो जाए. कावेरी अम्मा का घर कहाँ आप मुझे बता सकते हैं? कावेरी अम्मा इज देयर. थैंक यू. मेंशन नॉट. ओके.
तू रे, कितनी बार कहा है तुझे ढंग से खाना खा ले, हाँ कहा? कौन आया रे मुझे मिलने? नहीं नहीं गलत फहमी हो गई होगी तुझे, क्या रे अभी आएगा? कौन आया मुझे मिलने? कौन है, कौन है? अरे अरे तुम कौन हो? अरे अरे खा ले रही हो? अरे छोड़ो ना, छोड़ो ना मेरे हाथ, छोड़ो छोड़ो। जानते हो कौन है? ये मेरा मोहन है। हाँ हाँ यही मेरा मोहन है जिसके बारे में मैं बताया करती थी। तो मोहन अंदर आओ। मोहन रुक जा, यहाँ अंदर कदम मत रखना, मैं अभी आई। कैसे भूल सकता था अम्मा, ये सब बातें तो तुम्ही ने मुझे बचपन में लाड़ प्यार से सिखाई है, आज तक नहीं भूला हूं मैं। आने दो गीता को, बताऊंगी मैं उसे कि अपनी शर्त जीत ली है। शर्त? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं अम्मा। वो गीता है ना, हमेशा मुझसे कहती थी कि तू कभी नहीं लौटेगा। अच्छा? वो कहती थी दादी तेरा मोनू तुझे भूल गया है, जो लोग विदेश जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते, तू भूल जाओ उसे। तब मैंने शर्त लगाई थी कि एक दिन तू जरूर लौटेगा, अगर तू लौटा तो उसे मुझे आइसक्रीम खिलाना पड़ेगा। आइसक्रीम? हाँ। अम्मा अब भी तुम वैसे ही हो। क्यों? क्योंकि आज भी तुम्हारी आइसक्रीम खाने की आदत नहीं गई है। क्यों नहीं? आइसक्रीम सिर्फ बच्चे खा सकते हैं, बड़ों के लिए मना है। नहीं नहीं मना, बस। मोहन तुम यहाँ बैठ। हाँ। मैं अभी आई। तुलसी पूज से हरी मिले तो मैं पूज तुलसी जार, पत्थर पूज से हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, दूध पीने से हरी मिले तो दूध पीने से हरी मिले तो बहुत भक्त राला, मीरा कहे बिना प्रेम से, मीरा कहे बिना प्रेम से नहीं मिले। ये जो गीता है ना, ये मेरी बहन की पोती है, उसके बचपन में ही मेरी बहन स्वर्ग से इधर गई। अपनी पढ़ाई उसने बोर्डिंग स्कूल में रहकर किया, कॉलेज के पढ़ाई उसने शहर में किया। उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरा होते हुए उसके पिता भी इस दुनिया से चल बसे। इस बात को 4 साल हो गए हैं, तब से गीता यहाँ आकर मेरे साथ रह रही है। असल में ये घर गीता के पिता का खानदानी घर है। गीता कॉलेज में संस्कृत का पढ़ाई किया है, उसके पिता का यही इच्छा थी कि वो यहाँ आकर गांव के बच्चों को भी संस्कृत पढ़ाए। हमें यहाँ रहते हुए अब पूरा 4 सालों तो हो ही गया। बहुत ही नेक और प्यारी लड़की है गीता। अम्मा मैं तुम्हारी लाडली गीता से मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो है कहाँ?
आ जाएगी। अम्मा मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोल रे, क्या बात है? तुम मेरे साथ अमेरिका चलोगी? मैं अमेरिका? हाँ अम्मा, मुझे तुम्हारी वहां जरूरत पड़ेगी। देखो बेटे, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन गीता। ओहो गीता गीता गीता। देखो अम्मा, मैं ये सब नहीं जानता। मैंने अपना वादा निभाया, अब मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारा वादा निभाओ। फिर भी एक बार उसे पूछ लेने दो। ठीक है, मैं गीता से मिलकर खुद ही पूछ लूंगा। गीता टीचर, क्लास ली भवती भवतः भवतः भवती भवतः भवन्ति भवती भवतः भवन्तः भवती। गीता, तो तुम ही हो गीता, पहचाना मुझे बुकशॉप? लेकिन जब मैंने उस दिन कहा कि मैं माधोपुर का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जब तक तुम तो इसी गांव में रहती हो। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर तुम पहुंच ही गए ना। हाँ पहुंच तो गया हूँ तुम तक। देखो यहाँ बच्चे सब पढ़ रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। सॉरी। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ। या ओके ओके ओके। भवती भवती भवतः भवतः भवन्ति भवन्ति भवती। अभी तक क्या कर रहे हो? Just clicking, smile. तुम जाओ यहां से। थैंक यू। आनंद, I wish you could see this place. इस खूबसूरत गांव में आकर अब तो यहां से निकलने को मन ही नहीं करता। यहां की हरियाली, बाग बगीचे, यहां के लोग, कावेरी अम्मा का प्यार, ये सब मुझे अपनी जड़ की नीम की एहसास दिला रहा है। और इन सबसे ज्यादा आकर्षण है द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स, गीता। एक्चुअली मीटर अगेन, लगता है मेरी किस्मत बहुत बुलंद है। आई एम वेरी लकी। गीता गीता, मेरा मोहन आ गया है, मेरा मोहन आ गया है। रे गीता, देखा देखा, अपनी शर्त हार गई ना, तो चल चलो मुझे आइसक्रीम खिला देना। तू आइसक्रीम खिलाना गीता। ये देख फोटो भी खींचा है, यही यही मेरा मोहन है। और सुन, कुछ दिनों के लिए वो यही रहेगा, और कह रहा था कि इस बार मुझे भी अपने साथ अमेरिका ले जाएगा, अपने साथ। गीता 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 सुन, thank you.
तुम वापस क्यों आए? तुम वापस क्यों आए? कितने खुश थे हम लोग यहाँ पर। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मेरे पास कावेरी अम्मा के अलावा और कोई नहीं है। मैं फिर से यतीम नहीं बनना चाहती। तुम उन्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। मैं तुम्हें आसानी करने दूंगी, नहीं करने दूंगी।